बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। रंगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर किया स्वागत। नवगछिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह नवगछिया पुलिस जिला पहुंचे। नवगछिया कटिहार सीमा पर रंगरा के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में जिला महामंत्री अरविंद चौधरी, विजय सिंह कुशवाहा, भाजयुमो के प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू, जिला पार्षद कुमकुम देवी, गगन चौधरी, रवि रंजन, अजीत सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और भाजपा एवं भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के पक्ष में नारेबाजी की। मौके पर सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर भाजपा के एक एक सिपाही लक्ष्य एनडीए इस बार 220 पार को पूरा करने के लिए निकल चुका है। बिहार में इस बार एनडीए के पक्ष में बयार बह रही है और विपक्ष में कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की एनडीए सरकार ने जो विकास के आयाम लिखे हैं उसे जन जन तक जनसंवाद के माध्यम से पहुंचाना है, इसलिए सभी सांसद सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। कि वह वैश्विक नेता हो गया, वह दुनिया का लीडर हो गया। मित्रों, मेरा दावा है कि 24 भी अगर नरेंद्र मोदी एक बार हो जाएगा, होना ही है, अगर 10 बरस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री रहेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में भारत राज करेगा और दुनिया को भारत चलाएगा। आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो कभी भारत जैसे देश को तरजीह नहीं देता था, सम्मान नहीं करता था, आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो दुनिया का ताकतवर देश है, वह भी नरेंद्र मोदी का नाम जपते रहता है, मोदी मोदी करता है। यह नरेंद्र मोदी जी का पराक्रम है। मित्रों, आज हम सबों को गर्व है, जिस दिन पुलवामा में हमारे सेना पर आत्मघाती हमला होता है तो नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर उसका श्राद्ध भी सेना का नहीं हुआ और पाकिस्तान के अंदर थूक करके भारत का सेना जाकर उसको स्ट्राइक करता है और वह सुरक्षित आता है। तब लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 56 इंची नहीं 156 इंची का सीना कहेंगे तो वह कम पड़ेगा। 2001 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 6-6 बार टिकट दिया। मित्रों, मैं खुशनसीब आदमी हूं कि आज मैं 10 जिला में अकेले सांसद हूं और कोई सांसद है नहीं। इस नाते मैं आज वोट मांगने आपके बीच नहीं आया। सच्चाई यही है कि वोट तो आप फूल छाप में देते ही हैं, इंडिया गठबंधन को जिताते ही हैं, परंतु आज आप लोगों से अपने लोगों से मिलने जुलने के लिए अपने लोगों से मिलना चाहिए, जाना चाहिए। और हमारी भी इच्छा होती थी कि भागलपुर जाए, नवगछिया जाए, तुलसीपुर जाए, जाने की इच्छा हर गांव है, लेकिन समय अभाव है। 4 दिन से लगातार मैं घूम रहा हूं। तो मित्रों, उसी कड़ी में मैं आज आपके बीच आया। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आने वाला दिन में विधानसभा का चुनाव है। आप सब रेडियो में, टीवी में, समाचार पत्रों में पढ़ते ही होंगे कि आपके प्रधानमंत्री। नवगछिया में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बृहद पैमाने पर चला मास सिकिंग अभियान। नवगछिया में एसडीएम इंजीनियर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को नवगछिया शहर में विभिन्न स्थानों पर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, नवगछिया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमर विश्वास समेत पुलिस बल शामिल थे। इस क्रम में नवगछिया गौशाला रोड और स्टेशन रोड व अन्य जगहों पर भी सघनतापूर्वक मास सिकिंग किया गया। मास सिकिंग के क्रम में बात सामने आई कि कई जिम्मेदार दुकानदार और प्रतिष्ठित लोग भी बिना मास्क के ही अपने कामों में लगे थे। ऐसे लोगों को मौके पर ही ₹50 का जुर्माना किया गया और चेतावनी देकर छोड़ा गया। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मुख्य मकसद जुर्माना लेने का नहीं है, लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करना मुख्य मकसद है। हर जगह अनलॉक की प्रक्रिया क्रमशः जारी है, ऐसी स्थिति में कोविड-19
से बचने के लिए और ज्यादा सतर्कता और सजगता की जरूरत है। हर जगह क्या समर्थ है कट गया पैसा पहले निकालेंगे था मैंने खाना जाना है पैसा नहीं है नवगछिया मार्केट में बीटीएस से नवगछिया में समुचित रूप से मिलने लगा बीएसएनएल मोबाइल को कवरेज। नवगछिया में एक वर्ष से ठप पड़ी बीएसएनएल मोबाइल सेवा को बीएसएनएल कर्मियों ने पुनः चालू किया है। नवगछिया शहर के वैसे क्षेत्र जहां बीएसएनएल मोबाइल टावर नहीं रहने की शिकायत थी वैसे जगहों पर भी बीएसएनएल की सेवा शुरू कर दिए जाने का दावा नवगछिया दूरसंचार विभाग ने किया है। नवगछिया दूरसंचार विभाग के जेटीओ रवि कुमार ने कहा कि यह सेवा अस्थायी रूप से कर दी गई है। नवगछिया मार्केट बीटीएस से ही टावर से वंचित क्षेत्रों में कवरेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ तकनीकी समस्या आ सकती है क्योंकि मार्केट में बीटीएस की बैटरी कमजोर है और बैटरी का बैकअप आधे घंटे की है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली नहीं रहने पर टावर नहीं आने की शिकायत आ सकती है। बैटरी के लिए विभाग को लिखा गया है। वहीं बीएसएनएल मोबाइल सेवा पुनः बहाल हो जाने के बाद नवगछिया के उपभोक्ताओं ने नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार को बधाई और साधुवाद दिया है। नवगछिया अनुमंडल परिसर में जल जमाव आम लोगों को काफी हो रही परेशानी। नवगछिया अनुमंडल परिसर में वर्षा का जल और तरसों के पानी से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवगछिया एसडीपीओ कार्यालय जाने वाले रास्ते पर 100 मीटर तक 1 फीट जल का प्रवाह कई दिनों से हो रहा है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली, संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549638888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया 15 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के ज्ञानी दास टोला निवासी बच्ची मंडल को रंगरा पुलिस ने 15 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि ज्ञानी दास टोला में शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आलोक में रंगरा पुलिस को छापेमारी के लिए भेजा गया, जहां बच्ची मंडल के घर से 15 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया गया है। मौके पर बच्ची मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नवगछिया पुलिस एवं कटिहार जिले के सीमावर्ती कुर्सेला पुल के समीप पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़। शनिवार की देर शाम नवगछिया पुलिस जिले एवं कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र कुर्सेला पुल के समीप पुलिस एवं अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच लगभग 100 राउंड से अधिक गोली चलने की बात बताई जा रही है। वहीं इस दौरान अपराधियों द्वारा लगभग 100 राउंड जबकि पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में लगभग 25 राउंड गोली चलाए जाने की बात सामने आई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2017 में थाना कांड संख्या के तहत नाव से शराब बरामदगी हुई थी। शराब के अलावा जब्त किए गए नाव को गोपालपुर थाने के अभिरक्षा में करारी तिंटेगा घाट पर रखा गया था। उक्त नाव को करारी तिंटेगा घाट से नदी थाने की पुलिस के द्वारा कुर्सेला पुल होते हुए बिस्पुरिया स्थित नदी थाना लाया जा रहा था। इस क्रम में कुर्सेला पुल के उत्तरी हिस्से के समीप नदी किनारे लगभग 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे। जो ही नाव पुल के उत्तरी हिस्से से गुजर रही थी तभी पहले से घात लगाए हथियारबंद अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। अपराधियों की मंशा पुलिस से नाव को मुक्त कराने की थी। अपराधियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग को देखते हुए पुलिस जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा आनन-फानन में नाव को मोड़कर वापस पुल के दक्षिणी हिस्से में लाया गया और सभी पुलिस जवान नीचे उतरकर अपराधियों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। और इसी बीच मोर्चा संभाल रहे पुलिस जवानों के द्वारा मुठभेड़ की सूचना नवगछिया पुलिस जिले के SP DSP के अलावा वरीय पदाधिकारी को दी गई। सूचना मिलते ही नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में नवगछिया पुलिस जिले के आदर्श थाना नवगछिया, गोपालपुर, रंगरा एवं कटिहार जिले के कुर्सेला पुलिस सहित लगभग 4 दर्जन पुलिस बलों के साथ अपराधियों की घेराबंदी गई। पुलिस द्वारा घेराबंदी की सूचना मिलने पर वहीं अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर उत्तर की दिशा की ओर भाग निकले। भाग रहे अपराधियों का पुलिस द्वारा काफी दूर तक पीछा किया गया, मगर अंधेरा और इलाका दूरा होने के कारण घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिल पाई। घटना के बाद नवगछिया पुलिस जिला एवं कटिहार जिले के कुर्सेला थाना के बीच क्षेत्र विवाद को लेकर मामला उलझा हुआ था। दोनों जिलों की पुलिस यह तय कर नहीं पा रही थी कि आखिर घटना किस थाना क्षेत्र का है। वहीं दोनों जिलों के पुलिस द्वारा घटनास्थल को एक दूसरे के थाना क्षेत्र में होने का दावा किया जा रहा था। अंतोगत्वा नवगछिया DSP दिलीप कुमार के द्वारा नदी थाने की पुलिस को अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। नवगछिया आर्म्स एक्ट मामले में कुख्यात मौसम यादव को पुलिस ने लिया रिमांड पर।
आर्म्स एक्ट मामले में कोसी दियारा क्षेत्र के अपराधी मौसम यादव को खरीक पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। इस बाबत खरीक पुलिस ने न्यायालय में आवेदन दिया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि रिमांड हेतु न्यायालय में दिया गया आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। खरीक पुलिस द्वारा कांड संख्या 316/19 आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त से पूछताछ किया जाएगा। उत्पाद अधिनियम के मामले में एक गिरफ्तार। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अभियुक्त मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना के मेराकाम निवासी सुनील पंडित को परवत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक बोलेरो को भी जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद परवत्ता पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रंगरा से अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। रंगरा थाना क्षेत्र के मसूदनपुर बैसी निवासी राजकुमार मंडल को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाना अध्यक्ष ने वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं रंगरा पुलिस ने बताया कि राजकुमार मंडल के विरुद्ध न्यायालय से वारंट एवं कुर्की का आदेश था। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8228956905 या रजिस्टर करें msdwtbihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303467170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।